दस रोटी खाने वाला अभी भी न खा पाए इसको सुख कहोगे? रात भर खर्राटे बजाकर सोने वाला तदस गोली खाकर नींद ना आए इसको सुख कहोगे? कहते हैं जैसे दलदल में जितना व्यक्ति फंसता चला जाता है उतना ही वो महाराज दलदल में डूबता है। और इस संसार में जहां पर भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कह दिया दुखावयम अशाश्वतम, ये जो संसार है इस पे भगवान ने दुख का बोर्ड लगा दिया। ठगने में लोगों से 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेकर भी 500,000 रुपए रिश्वत लेने के लिए बैठे रहते, बिना रिश्वत लिए काम ही नहीं करते। वो सोचते हमारा कल्याण होगा, उनका कल्याण नहीं हो सकता। अरे जब तुम्हारा 1 लाख रुपए की तनख्वाह से पेट नहीं भरा तो 500-700 गरीब का लेकर तुम मारा जिससे तुम हाय ले रहे हो, तुम्हारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। विट भरा गांव स्वर देखता है, भैया ये भी मेरी तरह मैं भी उठते ही गंदगी में मारता हूँ। और आयो कपिल के आने के बाद महर्षि कर्दम उस आश्रम को घर को छोड़कर चले गए। और इधर मां कोई तन दुखी कोई धन दुखी कोई ही महाराज मन दुखी, कहते जो जितना सुख में डूबता गया वो उतना ही तुमको प्राप्त करता गया। जब कुछ भी नहीं था तो सोचने लगे भगवान एक नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गई एक कोठी बन जाए, कोठी बन गई एक एयर कंडीशन गाड़ी हो जाए, सोचते सोचते एक फैक्ट्री बन जाए, राजाओं जैसा वैभव हो गया मगर सुख फिर भी नहीं मिला। तब भी जाकर गाड़ी कोठी बंगले वालों से पूछो भैया सुखी हो? नहीं महाराज अब तो बहुत दुखी। क्यों? बोले जब कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तो नाश्ते में 10-10 परौठे खा जाते थे, कहीं भी सोते थे महाराज पता नहीं चलता। आज राजाओं जैसा वैभव है मगर नींद की 10-10 गोली खाते। परिवार से दुखी, कोई भोजन से दुखी, कोई अपनों से दुखी, कोई धन से दुखी, कौन सुखी है यार? एक ही सुखी है जो परमात्मा के सुख में। और अगर भगवान के पास दुख होता, अभी मैंने कथा सुनाई ना उसे, कुंती बुआ ने दुखी को मांगा, बताओ भगवान के पास दुख नहीं था तभी तो नहीं दे पाए? अगर दुख होता तो भगवान दे देते दुआ को, लेकिन भगवान के पास दुख नाम की वस्तु है ही नहीं। ये सुख दुख तो हमारे कर्मों के कारण उपस्थित होते हैं, कोई ना कोई माध्यम बन जाता है हमारे पापों को प्रकट करने वाला, लेकिन भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते हैं, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया है और उपदेश देकर सृष्टि का विस्तार पूछा है। सृष्टि का विस्तार अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सृष्टि में 4 कुमारों को जन्म दिया, शरद सनंदन सनातन शरद कुमार। और चारों से ब्रह्मा जी ने कहा भैया सृष्टि का विस्तार करो। चारों ने कहा पहले क्या करें? बोले पहला कर्तव्य तो भगवान की प्राप्ति है। चारों ने कहा पहले भगवान को पालेंगे फिर आपकी बात मानेंगे। अब पहली बार बेटे से पिता ने कहा, बेटे ने मना कर दिया, पिता को बोल आया, श्राप दे दिया, जाओ तुम 5-5 वर्ष के ही रहो। उन्होंने कहा ये भी बढ़िया, कभी बुद्धि ही नहीं होंगे, कल सुनेंगे सनक सनंदन, आज ही वह आए जो था आगे सुनते रहे। हजार हजार लाख लाख वर्ष के हो गए लेकिन 5 वर्ष के बने, यह आशीर्वाद मिला पिता का। और उसके बाद महाराज भ्रकुटि का भेदन हुआ तो भगवान रुद्र प्रकट हुए, रुद्र से कहा जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान भोलेनाथ रुद्र उन्होंने भूत प्रेत पिशाचिनी राकिनी बनाने लगे, ब्रह्मा ने कहा फैल जाओ तुम तो जाके कैलाश पे भजन करो, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए हमें। अब ब्रह्मा जी ने अपनी ही सुंदर संकल्प से 10 ऋषियों को जन्म दिया, अत्रि मरीचि अज्ञा पुलस्त्य पुनः भगु वशिष्ठ
और देवर से नारद इन दस ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया तथा अपनी छाया से महामुनि कर्दम को प्रकट किया। उसके बाद मानसी दृष्टि और उसके बाद विधाता ब्रह्मा ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को प्रकट किया, जो मनु और शत्रुपा के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए हम सब मानव कहलाते हैं, इसलिए हम सब मनु पुत्र कहलाते हैं। मनु शत्रुपा के पांच संतानें हुई, दो बेटा और तीन बेटी। बेटियों के नाम आकुति, देवहूति, प्रसूति और बेटों के नाम प्रियव्रत और उत्तान पार। महाराज इसी समय हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाकर ले गया। भगवान की प्रार्थना पर भगवान वराह का अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार किया। पृथ्वी का उद्धार करके महाराज सुंदर पृथ्वी को स्थापित किया है। और उसके बाद श्री कर्दम जी महाराज का विवाह देवहूति के साथ हुआ है। संक्रांति को उस गंगा सागर में दिव्य मेला भरता है, करोड़ों लोग जाते हैं और सुंदर तृतीय स्कंद को विश्राम। अब चतुर्थ स्कंद प्रारंभ होता है। सती चरित्र का मैं बस स्पर्श करूंगा और ध्रुव चरित्र की कुछ कथा सुनाकर, ध्रुव जी की झांकी भी है, नारायण की झांकी भी है, आज उसके दर्शन पूजन करके कथा को विराम करेंगे, क्योंकि कल कथा दो समय है। कल देखो समय से आ जाना, 3 बजे से 6 बजे करंट 3 बजे शुरू होगी और 5:45 विश्राम हो जाएगी, ये भी बता रहे, क्योंकि 9 बजे से पूरा है और 9 बजे से 12 बजे तक फिर उत्सव बनेगा, तो 12:30 तो वैसे ही बजेंगे। कल भगवान का जन्म होगा, आपके बेटा बेटी का जन्म होता है, तो महाराज खुद चकाचक आप लोग आते हैं, तो इसलिए ध्यान देना, क्योंकि कल हो सकता है दिन में, क्योंकि लोग मैं एक चीज यहाँ नोट हुई, यहाँ लोगों के पहुंचने का समय है 4 बजे के बाद ही होता है। 5 बजे तक सभी भक्त खुद अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सब चलाई मथुरापुरी में जाकर यमुना स्नान करके गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और पहले व्रत ले लिया 3 दिन का कि व्रत चल रहा है 6 दिन बाद 1 दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और जब तीसरा महीना लगा तो जब को और बढ़ाया 9 दिन नवमे हनि, अब 9 दिन में अभक्ष, 9 दिन तप करूंगा, 9 दिन बाद 1 दिन यमुना का अभक्ष जल पीऊंगा और कुछ नहीं, और मंत्र चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। और चौथा महीना लगा तब को और बढ़ाया चतुर्थम वैमासम द्वादशे हनि, अब 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार लूंगा और तब को और बढ़ाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब पांचवा महीना लगा तो अंगूठे के ऊपर ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए। मात्र अंगूठे पर ध्यायन भगवतो रूपम नात्रा चित किंचना परम। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों सहित देवताओं की श्वास रोक दी। जब देवताओं की श्वास रुकी, दौड़े दौड़े सब ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा नारायण के पास गए। कौन सा योगी आ गया है जिसने हम समस्त देवताओं की श्वास को निवृत्त कर दिया? नारायण भगवान कहते, कोई योगी नहीं है, मेरे भक्त ध्रुव ने आज मेरे को अपने हृदय में ऐसा बसाया। मेरा भक्त मेरे तप में इतना लीन है कि आज उसने सबकी प्राण वायु को रोक दिया। चिंता न करो, अब मैं भक्त के दर्शन करने नहीं, उसको दर्शन देने जा रहा हूँ। और भगवान नारायण गरुड़ पर सवार हुए, मधुर मन प्रत्यत द्रक्षयागत। और जैसे ही गरुड़ पर सवार होकर भगवान नारायण अपने लोक से चले और सीधे ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। बोलो नारायण भगवान की, बोलो नारायण भगवान। खोलना, भगवान ने आंख बंद करके देखा हो, जो छवि बाहर है वो इसने अंदर बिठा रखी है। कैसे आप खोले? जो ही भगवान ने अंदर से सभी खींची, आंख खुली, जो अंदर था वो तो बाहर है। ध्रुव जी महाराज चरणों में लेट गए। जैसे ही चरणों में लेटे, भगवान ने सुंदर उठा लिया, उठाकर हृदय से लगाया। अब ध्रुव जी महाराज, ये महाराज जानते ही नहीं, नारायण को आज रात भर आपस में चर्चा करने दो, आज रात भर मिलने दो। हमारे पूज्य बाबूजी माताजी उत्कर्ष भैया, उनकी धर्म पत्नी, ये लोग पूजन करेंगे, हम लोग सुंदर भाव में डूबेंगे, उसके बाद आप सब बैठे रहे, हम नीचे भेज देंगे, जो पूजा करना चाहेगा कर लेगा बाद में। इसके बाद और उसके बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद। और I'm
होंगे तेरी महिमा गाए शांत करे ध्यान नारद गुणगान करे शीण दीनता देव तेरी महिमा गाए शांत करे नारद गुणगान करे शीण दीनता भक्ति तेरे प्रतिनिधि के रूप में निर्माण परिवार होगा सुंदर भगवान का अभिषेक साईनाथ का अभिषेक दर्शन भी होंगे और फिर आप सब दर्शन करेंगे। आइए मेरे आप से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आज द्वितीय कृष्ण परम मंगल में पाप के नाते हम सब आरती में सम्मिलित हो। आरती के बाद प्रसाद लेकर आप